हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में है जिस हिसाब से आज के दिन में करेक्शन देखने को मिला है, जो कि 14-15% का करेक्शन आज देखने को मिला है, तो इसी हिसाब से ये स्टॉक में काफ़ी सारा पैनिक हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये स्टॉक में हमें आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को हम रखेंगे या तो फिर सेल करके निकल जाएंगे, इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में आपका पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक है तो उसका एनालिसिस देखना अगर चाहते हैं, यहाँ पे जरूर जाके एनालिसिस देख लीजिए, ठीक है। कोई भी स्टॉक एक बार पैनिक जब होता है ना, सेल करने से पहले एक बार एनालिसिस जरूर देख लीजिए, तो आप फिर एनालिसिस चेक करने के बाद में उसके बाद में फिर डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि इमीडिएटली पैनिक जब होता है ना मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से, तो उस टाइम पे आप पैनिक में कोई भी स्टॉक को सेल मत कीजिए, ठीक है। अगर आज देखेंगे, आज मेरा काफ़ी सारा फ्रेंड्स के पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक है, ठीक है। अब मेरा फैमिली पोर्टफोलियो में भी है, मेरा पोर्टफोलियो में भी है, ठीक है। अगर देखेंगे आज के दिन में यहाँ पे स्टॉक ने लो लगाया, 52 वीक लो लगाया, तो ऐसा सबका एक मानना था कि ये स्टॉक्स में से निकल जाएंगे, लेकिन मैंने ये स्टॉक को सेल नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगा और एग्जांपल भी जरूर आपको दूंगा, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आज के दिन में हम देखेंगे निफ्टी, देखिए यहाँ पे 17,278 पे निफ्टी अभी चल रहा है, जो कि आज के दिन में 7.75% का तेजी देखने को मिला है, जो कि पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है आज के दिन में, थोड़ा सा रिकवरी होते हुए, ठीक है। अभी अगर इसी हिसाब से देखेंगे इंटरमेस में जो गिरावट देखने को मिला है, इंडिया मार्ट इंटरमेस में यहाँ पे 13% का गिरावट देखने को मिला है, 13.5% में क्लोजिंग में था। अगर इसी हिसाब से देखेंगे क्यों इसका पीछे का रीजन है, अभी अर्निंग रिपोर्ट आया, जो कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। मार्केट का जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट में इसका धुलाई हो गया है। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे देखिए 173 करोड़ का यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में सेल्स था, अभी के क्वार्टर में अगर देखेंगे 187 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिसंबर में यहाँ पे 82 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट दिसंबर में, अभी के जो दिसंबर में अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे 74 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, प्रॉफिट में डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 क्वार्टर में यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ये एक नेगेटिव फैक्टर देखने को मिला है, ठीक है। अगर इसी हिसाब से आप अगर बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में इतना कोई इंपैक्ट देखने को नहीं आया, क्योंकि बैलेंस शीट में तो अभी वही मतलब 1700 करोड़ का रिजर्व है। अगर डेट भी देखेंगे यहाँ पे बोरोइंग ओनली 60 करोड़ का बोरोइंग है, जो कि इतना जरा ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। अगर लास्ट 3 क्वार्टर का भी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट 4 क्वार्टर में 304 करोड़ का प्रॉफिट है, लास्ट 3 क्वार्टर में अगर हम सेल्स की बात करेंगे 729 करोड़ का सेल्स है। देखिए अगर इसी हिसाब से आप अगर देखेंगे यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग की बात करेंगे, प्रमोटर का होल्डिंग भी वही कांस्टेंट है, 49.52% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, तो ये तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एफआई के पास में होल्डिंग देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एफआई ने थोड़ा सा स्टेक सेल किया, जो कि 27.91% का स्टेक था, तो अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे 26.53% का स्टेक यहाँ पे एफआई के पास में, डीआई के पास में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5.34% का, पब्लिक के पास में 18.57% का है। फ्रेंड्स, अगर ऑनेस्टली वो बोला जाए, मेरे हिसाब से स्टॉक में कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी हिसाब से आप अगर देखेंगे, यहाँ पे एक न्यूज़ भी है, इंडिया मार्ट का इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है, इस सिंपली वे पेपर ऐप में इन्वेस्टमेंट किया है, कितना 61 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। एक्चुअल हुआ क्या है, ये स्टॉक में अगर अर्निंग आया है तो यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट जो लास्ट 3 क्वार्टर से आ रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट राइज नहीं हो रहा है, तो ये एक मेन कंसर्न है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला, और मार्केट का सेंटिमेंट भी यहाँ पे बिगड़ चुका था, तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक में पिटाई हो गया, ठीक है। अगर ऐसा आप देखेंगे तो ऐसा आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हम ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखेंगे, आगे कैसे ग्रोथ दे सकता है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ना, B2B बिजनेस में है, बहुत बढ़िया सा ग्रोथ आगे देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। देखिए एक दो क्वार्टर का रिजल्ट कभी भी खराब आ सकता है, ठीक है ना, ये तो हमें बिल्कुल सोच के चलना पड़ेगा। अगर मैं देखूंगा कि इसी हिसाब से मेरे ने जो बाई किया हूँ, मुझे भी अभी लॉस में हो रहा है, मैं भी अभी लॉस में बैठा हूँ 20% का, ठीक है। आज सुबह मैंने भी जैसे देखा, यहाँ पे देखिए मेरा मेरा एक्चुअल बाइंग यहाँ पे पहले था, तो यहाँ पे मैंने एवरेजिंग भी कुछ किया था, तो इस हिसाब से मुझे अभी 20% का लॉस दिखा रहा है। लेकिन इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे RSI, देखिए RSI की तो धजिया उड़ चुका है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे RSI ऑलरेडी यहाँ पे 18 के पास में आ चुका है, ठीक है। तो अगर इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है, RSI भी सबसे नीचे है, तो यहाँ पे कोई सेंस भी नहीं बनता है टेक्निकल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो जोन है ना, एक बाइंग जोन है, हम इसको
आज ए बाइंग जोन लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर इस कंपनी में आपको भरोसा है, तो ये स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप करके चल सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मतलब ओवरवेट नहीं करने का, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, और यहाँ पे इमिडिएटली और 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पोर्टफोलियो का मिनिमम, आप जो मैक्सिमम आपका एक ही स्टॉक में रहेगा, मैक्सिमम 5% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर रिस्की हो सकता है, ये तो मैं पहले भी आपको बताया हूँ, ठीक है। तो मैं ये स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे क्वांटिटी बाई करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आने वाले दिनों में बढ़िया से रिटर्न हमें दे सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका पीछे का रीजन भी बता रहा हूँ, ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में अगर देखिए, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू होता तो मैं पहले बोल देता कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, स्टॉक्स में से निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है, पहला चीज़ है, ठीक है। और कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही दो क्वार्टर में अगर अर्निंग थोड़ा सा खराब आता है, इसकी वजह से अगर स्टॉक का सेंटिमेंट अगर बिगड़ जाता है, उस टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी रेंज पे बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कितना बार यहाँ पे एक रेंज बनाया था, इसी रेंज पे आप बाय कर लीजिए, जो कि बढ़िया सा टाइम पे आपको मिल रहा है। और ऐसा हो सकता है इस स्टॉक में आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हम बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहे हैं कि तो इमीडिएटली आपको गेन मिल जाएगा। हो सकता है आपको काफ़ी दिन तक होल्डिंग रखना पड़ जाए, जो कि 6 मंथ तक भी होल्डिंग करना पड़ जाए, क्योंकि अभी नेक्स्ट अर्निंग आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर का जब अर्निंग आएगा उस टाइम पर अगर अच्छा सा अर्निंग पोस्ट किया तो फिर स्टॉक यहाँ तक जाएगा, फिर तो नहीं तो और एक क्वार्टर इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से है, लेकिन ये कंपनी में बढ़िया सा प्रोस्पेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है थोड़ा सा इसका रिजल्ट चैलेंजिंग हो, क्योंकि इसका यहाँ पे बोर्ड का जब यहाँ पे है, आज न्यूज़ में है, यहाँ पे दिखा रहा था, तो इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहे यहाँ पे अर्निंग आने में। तो नेक्स्ट क्वार्टर का एक दो क्वार्टर अगर टाइम देंगे स्टॉक में, तो आगे आने वाले दिनों में हमें एक बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि इस हिसाब से आप देखिए, इस हिसाब से मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, यहाँ पे बजाज फिनसर्व की बात बता रहा हूँ, ठीक है। बजाज फिनसर्व जो मार्केट सेंटिमेंट जब यहाँ पे बिगड़ गया था, तो वहाँ पे कोरोना के टाइम पे बजाज फिनसर्व का मैं आपको चार्ट बताता हूँ, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग कहाँ पे हो रहा था और कहाँ तक आया था, एम पे 1 वीक का एक बार ओपन करेंगे। यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन है, देखिए यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा था, यहाँ पे 9900 के पास में स्टॉक, जब यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट जब कोरोना के टाइम पे नीचे गिरा, स्टॉक कहाँ तक आ चुका था, देखिए यहाँ पे 55% नीचे आ चुका था, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है, ग्रेट स्टॉक में भी कभी कभी ऐसा होता है। हम हमेशा हर कोई स्टॉक को मतलब गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक कंपनी के पीछे बिजनेस मॉडल को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई उस टाइम पे सेंटिमेंट बिगड़ा था और यहाँ पे पिटाई ज़्यादा ही हो गया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से अब देखिए यहाँ पे अगर किसने भी बाई किया होता ये कंसोलिडेशन जोन में, तो उसको कितना बड़ा एक रैली वो एंजॉय किया होता। देखिए यहाँ से लेके स्टॉक कहाँ तक तो गया था, यहाँ पे 19,000 तक का स्टॉक का सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंटेज गेन मिला होता, यहाँ पे 350% का गेन यहाँ पे मिल चुका होता, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं आपको और एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा, मैंने बहुत बार वो स्टॉक का एग्जाम्पल भी दिया था, देखिए ये स्टॉक को मैंने बाय भी किया था, उसके बाद में स्टॉक कहाँ तक तो आया था, देखिए यहाँ पे ओनली मतलब 56 रुपीज तक आ चुका था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मार्केट रिएक्ट किया, फिर उसके बाद में जब पता चला कि मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे फिर से बाइंग हुआ और स्टॉक अभी कहाँ पे खड़ा है, देखिए। क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं अर्निंग आ गया था, प्रॉफिट आ गया था, इसी हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ दिखाया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस भी नेगेटिव में आ रहा था, इसका जो नेट प्रॉफिट है नेगेटिव में आ रहा था, उसके बावजूद भी स्टॉक यहाँ पे रिएक्ट किया, क्योंकि कंपनी अच्छा है यार, अभी अगर नहीं है तो आगे आने वाले दिनों में बढ़िया सा प्रॉफिट हमें दे सकता है। तो यहाँ पे जब किसी ने बाय किया होता, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे पोर्टफोलियो में गेन मिलेगा 350% का। तो ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे इंडिया मार्ट में आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। अगर आप रियली एक स्टॉक मार्केट्स में अच्छा सा गेन लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से मैं आपको तो यही सलाह दूंगा, ये स्टॉक में आप बने रहिए तो आपको अच्छा सा गेन मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक बुरा लगता है, स्टॉक अगर खराब लगता है, तो आप लॉस बुक कर सकते हैं। इसमें मैं कोई ज़बरदस्ती आपके साथ में नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो फॉलो करता हूँ आज
व्यूअर, मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जैसे फॉलो कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही कीजिए, आपको गेन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टॉक बुरा है तो उसमें लॉस बुक करना है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आप ही खुद मैनेज करते हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन भाई मैं तो लॉस में स्टॉक को सेल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ग्रेट बिजनेस है और बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर आप अभी का करंट सिनारियो पे बाय करना है तो भी बाय कर लीजिए, बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है। ठीक है, और स्टॉक का अगर हम बात करेंगे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड का, देखिए स्टॉक जब इतना ज्यादा भाग रहा था एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से अर्निंग का एक्सपेक्टेशन था, तो इसीलिए तो स्टॉक ने रिएक्ट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 700 मतलब 760 मतलब 760% का रिटर्न दे चुका था स्टॉक। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा गेन मिल चुका था जो कि मोमेंटम में भाग रहा था स्टॉक जब से लिस्टिंग हुआ था। देखिए कहाँ से 580 डेज, मीन्स यहाँ से 1.5 से 2 साल में स्टॉक जाके कहाँ तक पहुंच चुका था। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट चालू हो गया है, तो क्या करेंगे, स्टॉक को होल्ड करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिजनेस ग्रेट है, हमें बढ़िया सा प्रॉफिट मिल सकता है। मैं तो इसी हिसाब से बिलीव कर रहा हूँ, स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले लीजिए और बढ़िया सा गेन आपको आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है। देखिए एंट्री पॉइंट भी आपको गुड बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको सिग्नल दे रहा है एंट्री पॉइंट के हिसाब से। मार्केट कैप देख लीजिए, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, बिजनेस बढ़िया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एनालिस्ट भी 64% का सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक को लेके चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन डिसीजन जो भी लेना है आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।